तो सनी बाइक वहीं पे रखा है कि नहीं? वही देख रहा हूँ, बाइक है ना अपना डब्बा वब्बा गायब नहीं ना व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आए हैं कि इंटरेस्टिंग लोकेशन पे। ये लोकेशन बहुत ही शांत है और यहाँ पे आने के बाद एकदम से बोलते हैं ना कि इनर पीस वाला फीलिंग आता है। तो मैं और सनी यहाँ पे आए हैं, हम लोगों ने बहुत सारा टाइम पास किया और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे आने के बाद ब्रेकफास्ट भी किया। सो पहले तो मैं आप लोगों को सनी से मिला दूँ। हाय सनी। हे गाइस। सो हम लोग यहाँ पे आए हैं राइड के लिए। अगर आप लोगों को भी आना है तो लोकेशन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मस्त जगह है। सैटरडे संडे यहाँ पे ज़्यादा करके भीड़ लगता है अभी, स्पेशली ये टाइम के ऊपर। एंड आई थिंक सो थोड़े टाइम बाद यहाँ पे गर्म बहुत हो जाएगा तो लोग कम आएंगे, बट यहाँ पे आने के बाद एकदम से मस्त ठंडा हवा चल रहा है, एकदम से एनवायरमेंट एकदम से कूल है। आप लोगों को आसपास के जो भी मतलब पत्ते पानी के अंदर गिर रहे हैं उसका भी यहाँ पे आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगा। सो लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है मनोर डैम और ये मुंबई से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर है। एंड यहाँ पे ज़्यादा करके जो सामने वाटरफॉल है वो वाटरफॉल के इधर ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोगों को मज़ा आता है इस चीज़ में, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को लोकेशन बता देता हूँ, हम लोग जहाँ पे रुके हैं वो भी, एंड साथ में पूरा लोकेशन कैसा दिखता है वो, एंड फिर साथ में मैं आप लोगों को इस लोकेशन के बारे में सब चीज़ बताता हूँ। सो गाइस ये लोकेशन काफ़ी अच्छा था, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा इन्जॉय किया। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पे बैठे थे, ये जो घर है इसके पीछे जो जगह है उसके वहाँ पे, ये शायद से कुछ जो यहाँ पे लोग रहते रहेंगे उन्होंने बनाया रहेगा। लोकेशन काफ़ी अच्छा है बट अभी फ़िलहाल कैसा है ना कि वीरान है तो उसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग आना स्टार्ट हो गए हैं जो लोग शायद से बाजू के विलेज में या गाँव में रहते हैं वो लोग। और सनी पीछे है। हाय सनी। तो उसका भी ब्लॉग चालू है, हमारा भी ब्लॉग चालू है। पानी गहरा है, मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आओगे तो थोड़ा सा संभल के, मे बी शायद से यहाँ पे क्रोकोडाइल हो सकता है, आई डोंट नो। एंड एक और चीज़ है कि लोग यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो बहुत सारा प्लास्टिक्स और प्लास्टिक का बॉटल और ये सब है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर आप ऐसी जगह पर आते हो तो डोंट थ्रो एनी थिंग ओवर हियर। ये एक चीज़ क्या है ना कि सोचो कि आप अगर 10 साल बाद आओगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे वैसे का वैसे ही मिलने वाला है। एक अच्छा लोकेशन आप मतलब बोलते ना कि ख़राब हो जाएगा, सो वो चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी लोकेशन इज़ रियली ऑसम, आप लोगों को अभी आना है तो आप आ सकते हो यहाँ पे। और हम लोग अभी जा रहे हैं वो साइड में, तो वहाँ पर भी एक छोटा सा वाटरफॉल शॉर्ट ऑफ है, सो आप लोगों को मैं वो बता देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ से अभी निकलने वाले हैं घर पर जाने के लिए। तो सनी बाइक वहीं पे रखा है कि नहीं? वही देख रहा हूँ, बाइक है ना अपना डब्बा वब्बा गायब नहीं ना सो बाइक मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम लोग ने कहाँ पे रखा था। ये जो दिख रहा है यहाँ पे हम लोग का बाइक है और हम लोग 5000 का जैकेट डब्बे में है, डब्बा गायब तो 10000 का नुकसान डब्बा भी 5000 का नहीं रे इतना नहीं जाएगा। सो हम लोग अभी यहाँ पे बैठे थे और यहाँ से अब जा रहे हैं हम लोग वो साइड में।
हम लोग अभी ये दूसरे साइड में आ चुके हैं एंड अभी झरना तो एक्चुअली वहाँ पे था जो बंद हो गया है। हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं वाटरफॉल के लिए, बट कोई नहीं। एंड यहाँ से आप लोग अगर देख सकते हो तो पानी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है एंड यू कैन ईजिली इन्जॉय, बट तभी आना जब लाइक धूप नहीं हो, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो चुका है सनी और मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। सो सनी कैसा लगा? उधर से चल के इधर आने तो बहुत गर्मी हुआ, बहुत गर्म हुआ क्योंकि बीच में कोई भी छाव नहीं है एंड छाव वाला लोकेशन जो है वो एकदम अपोजिट है। हम लोग वहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे लाइक बस ये छोटा सा छाव वाला एरिया है वहाँ पे रुक सकते हैं, बट वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं है। सो फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे 2-3 मिनट रुक के बस यहाँ से निकल जाएंगे घर पे जाने के लिए। बाय द वे दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो अगर आप लोगों को वीडियो ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कैसा लगा ये लोकेशन ये नीचे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।